आपके घर पर चूहा आ जाए और आप क्या करेंगे? या तो उसे घर से बाहर निकालते हैं या फिर उसे मारने की दवाई लाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ एक नहीं बल्कि हजारों चूहे हैं। यहाँ चूहों को शुभ माना जाता है। बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक एक स्थान है जहाँ पर करणी माता का मंदिर है, जिसे चूहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पाँव को घसीट कर चलना पड़ता है, नहीं तो पाँव के नीचे तक चूहे आ जाते हैं। लोग यहाँ चूहों की झूठी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। माँ करणी को जगदम्बा का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रिगुबाई था। इनका विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण से हुआ, लेकिन सांसारिक जीवन से मन उभरने के बाद उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन से करवा दी। इसके बाद खुद माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लीन हो गई। कहते हैं कि 151 सालों तक वे जीवित रही थी।